इसमें हम आपको कल जनसंचार माध्यम के विषय में ही बता रहे थे और आगे विस्तार से हम यही देखते हैं। और इसमें हर प्रकार से हम देखेंगे जनसंचार माध्यम के विषय में, तो संचार, जनसंचार के तत्व, संचार के विभिन्न स्तर या रूप, जनसंचार, जनसंचार के घटक, जनसंचार के माध्यम, और इस प्रकार से हम इसमें विस्तार से आज विस्तार से पढ़ेंगे और विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये सारी जानकारियाँ हम सहज जनसंचार माध्यम के अंतर्गत करते हैं। अब आगे देखते हैं, कल हमने आपको, कल से और अन्य आपको बताते हैं, इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखें। इसमें हमने कल आपको जनसंचार माध्यम के विषय में अवगत कराया। इसमें जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आपको हमने बताया था कि संचार किसे कहते हैं, संचार किसे कहा जाता है और संचार के तत्व किस प्रकार हैं, कि संचार और तत्वों के विषय में, जैसे तत्व संचार के विषय में मन के किसी विचार या भाव को दूसरे के साथ बांटना, ये निष्कर्षतः कहा जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि संचार अपने भावों एवं विचारों को दूसरों से बांटने की महत्वपूर्ण एवं सार्थक प्रक्रिया है। इसे महत्वपूर्ण और सार्थक प्रक्रिया यहाँ पर बताया गया है कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना, संचार करना, अपने जो विचार हैं, भाव हैं, उन भावों को दूसरों से बांटने की महत्वपूर्ण एवं एक सार्थक प्रक्रिया मानी जाती है। इसे हम सार्थक प्रक्रिया कहते हैं, ये संचार कहा जाता है। ये हमने आपको कल बताया और इसमें संचार के तत्व भी हमने आपको बताए। तत्वों के अंतर्गत आपको हमने मुख्य मुख्य तत्व बताए थे, प्रेषक, स्रोत, संकेतीकरण, प्रतिक्रिया, प्रभाव, फीडबैक, संदेश, संकेत, वाचन, संचार माध्यम, ग्राहक, तथा प्राप्तकर्ता, ये आपको बताया। इसमें संचार के विभिन्न स्तर या हमने आपको रूपों के विषय में बताया कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ स्तर है, रूप है, तो ये यहाँ पर बताया था कि जैसे स्वगत संचार, माध्यम संचार, परस्पर संचार, वक्ता एवं श्रोता समूह संचार। तो इसमें हमने बाद में आपको जनसंचार के विषय में भी अवगत कराया कि जनसंचार को मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसके द्वारा अनेक वर्णों, जातियों, समुदायों और विचारधाराओं के जो लोग हैं उनके साथ संचार का बातचीत, संचार या बातचीत की जा सकती है। तो इसके अंतर्गत मुद्रण माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पोस्टर, पैम्फलेट आदि, इस सभी के विषय में श्रव्य एवं दृश्य, श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम और अन्य हमने नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और इस प्रकार आपको सभी बताया। तो आजकल तेजी से प्रचलन में आई सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि को भी जनसंचार के माध्यमों के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो इसी प्रकार से हम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है और इस विषय में किसी भी प्रकार से हमें इसके विषय में पूर्ण जानकारी
बनाए रखनी है। तो इसके बाद में हमने आपको बताया था कि जनसंचार के घटक, जनसंचार के क्या क्या घटक होते हैं, इस विषय में आपको बताया कि जनसंचार प्रक्रिया जो है इसके निम्नलिखित संघटक होते हैं। तो जनसंचार प्रक्रिया के संघटक हमने आपको बताया कि संचारक या प्रेषक, संदेश प्रापक, संचार माध्यम, प्रतिपुष्टि, इसमें प्रतिपुष्टि या फीडबैक, शोर या विघ्न। आधुनिक जनसंचार माध्यम के विषय में भी आपको बताया था कि डाक तार प्रणाली, प्रिंट या मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। अब इनमें यदि देखा जाए तो समाचार पत्र पत्रिका जो प्रिंट या मुद्रित माध्यम है उसमें क्या क्या होता है, समाचार पत्र पत्रिकाएं, हेडबिल और पैम्फलेट, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में श्रव्य दृश्य और दृश्य श्रव्य, श्रव्य दृश्य और दृश्य श्रव्य, ये होते हैं। अब श्रव्य में जैसे रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फोन, ट्रांसमीटर, दृश्य में फैक्स, पेजर, टेलीप्रिंटर, कंप्यूटर, और दृश्य श्रव्य में टेलीविजन और फिल्म, ये सभी इसमें आते हैं। अब यहाँ हमने आपको ये सभी बताए, अब हम देखते हैं जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत जनसंचार माध्यमों को दो प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। जनसंचार माध्यम जो है उसको प्रमुख प्रमुख दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक होता है परंपरागत माध्यम और एक होता है आधुनिक एवं विशिष्ट माध्यम। हम आपको बता चुके हैं आधुनिक जनसंचार माध्यम, आधुनिक और विशिष्ट दो माध्यम होते हैं। सबसे पहला माध्यम जो है इसमें जैसे जनसंचार माध्यम में, जनसंचार माध्यमों के दो प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। इसमें दो भागों में हम इसे बांट सकते हैं। तो जनसंचार माध्यमों को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, एक परंपरागत माध्यम एवं विशिष्ट। विशिष्ट माध्यम, ये दो माध्यम आते हैं और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं परंपरागत माध्यम। परंपरागत माध्यम के अंतर्गत परंपरागत माध्यमों को लोक माध्यम भी कहा जाता है, लोक माध्यम भी इसे कहते हैं, और इसके अंतर्गत वार्ता, कथाएं, मेले, उत्सव एवं पर्व, लोकगीत, लोक नाट्य जैसे रामलीला,
रासलीला, कठपुतली, तमाशा, नौटंकी आदि। तो शिलालेख लोक कलाएं, मूर्ति कला, वास्तु कला, ललित कलाएं, विशेष संदेश प्रेषक पक्षी जैसे कबूतर होता है आदि आते हैं। ये माध्यम लोक संचार अथवा जनसंचार के माध्यम के रूप में प्रयुक्त एवं पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते रहे हैं। इन माध्यमों ने भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर उसे आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये परंपरा के रूप में है। ये माध्यम जो है ये एक यहाँ पर लोक माध्यम भी कहा जाता है। परंपरा के रूप में ये माध्यम प्रयुक्त होता आया है, इसलिए इसे लोक माध्यम भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं आधुनिक एवं विशिष्ट माध्यम। वर्तमान में प्रचलित जनसंचार के प्रमुख मुद्रित माध्यम जो हैं वह यहाँ पर जैसे वर्तमान में प्रचलित जनसंचार के प्रमुख मुद्रित माध्यम कौन कौन से, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पैम्फलेट आदि। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रेडियो, टेलीविजन, फैक्स, इंटरनेट आदि आते हैं। ये हमने आपको पहले भी बता दिया है, जनसंचार परंपरागत माध्यम, आधुनिक एवं विशिष्ट माध्यम, ये हमने आपको ऊपर भी एक नक्शा बना करके भी बताया है। और ये इस प्रकार से यहाँ पर ये आता है। तो इसमें डाक तार प्रणाली आधुनिक युग का सबसे पुराना संचार माध्यम माना जाता है। सबसे पुराना ये माध्यम है। भारतीय डाक तार विभाग की स्थापना के पश्चात पत्र, रेल, डाक वाहन एवं हवाई जहाजों द्वारा दूसरे प्रदेशों एवं देशों तक भेजे जाने लगे, जो विशाल जन समुदाय के लिए संबंध एवं सूचना बनाए रखने का माध्यम बने। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये वर्तमान समय में भी यह प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है, तो ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं प्रिंट या मुद्रित माध्यम। जनसंचार के माध्यमों में मुद्रित माध्यम सबसे पुराना माध्यम माना जाता है और भारत में पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में गोवा में खुला। इस छापे खाने को मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने हेतु खोला था। अब छापे खाने अथवा मुद्रित माध्यमों में अनेक परिवर्तन आ गए हैं, अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से मुद्रित माध्यम का महत्व एवं विशेषताएं किस प्रकार से यहाँ पर आती हैं ये आपको हम बताते हैं। तो मुद्रित माध्यम जनसंचार का प्राचीन माध्यम माना जाता है। इसमें लिखित भाषा का विस्तार होता है, इसमें लिखित भाषा का विस्तार माना जाता है। ये हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये विस्तार कहा जाता है। तो मुद्रित माध्यम अथवा प्रिंट माध्यम में विचार, सूचनाएं, जानकारी,
जानकारी आदि प्रिंट अर्थात छपे हुए रूप में होती है, इसलिए मुद्रित माध्यम में छपी जानकारी विचार अस्थाई होते हैं, अस्थाई माने जाते हैं। तो मुद्रित माध्यम अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम माना जाता है। मुद्रित माध्यम के द्वारा भाषा में नित्य नए नए शब्दों का निर्माण होता है। चूंकि मुद्रित माध्यम अर्थात समाचार पत्र पत्रिकाओं आदि का प्रभाव पाठक वर्ग बहुत व्यापक होता है, इसलिए मुद्रित माध्यम के लिए लिखते समय प्रत्येक शब्द व्याकरण वर्तनी भाषा आदि का अत्यधिक ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ मुद्रित माध्यम के बीच। तो पुस्तकें पत्रिकाएं मुद्रित होने के कारण ही सभी लोगों को सुलभ हो पाती है। मुद्रित माध्यम की विशेषता ही यही है कि प्राचीन ग्रंथों पुस्तकों लेखों आदि को मुद्रित रूप में होने के कारण ही हम उसे पढ़ सकते हैं, वह समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अतः मुद्रित माध्यम विचार चिंतन एवं विश्लेषण का माध्यम माना जाता है कि विशेष रूप से ये यहाँ पर विश्लेषण का रूप यहाँ पर कहा गया। तो इसमें अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में संचार की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ऐसा संघटक है जिसमें विद्युत उपकरणों द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का विवरण मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम इन माध्यमों के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के विषय में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले है रेडियो। रेडियो जो है जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो का एक विशेष श्रव्य माध्यम है। केवल इसे सुना जा सकता है, देखा नहीं जाता है, ये श्रव्य में आता है। तो भारत में पहला रेडियो प्रसारण वर्ष 1921 में हुआ, परंतु इसकी विधिवत शुरुआत 23 जुलाई 1923 को उस समय हुई जब लॉर्ड इरविन ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का मुंबई में उद्घाटन किया। मार्च 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी दिवालिया हो गई। औपनिवेशिक सरकार ने इस कंपनी को अपने अधीन कर इसका नया नाम इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रखा। वर्ष 1936 में इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया, जिसे आज़ादी के बाद आकाशवाणी कर दिया गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये आपको हमने रेडियो के विषय में बताया। रेडियो की विशेषताएं महत्ता किस प्रकार से, रेडियो संचार, रेडियो जनसंचार का जो श्रव्य माध्यम माना जाता है, इसमें शब्द ध्वनि आदि के माध्यम से श्रोताओं तक जानकारी प्रदान की जाती है। रेडियो की विशेषताएं इस प्रकार से बताते हैं कि रेडियो के द्वारा प्रदान की जा रही जानकारी से शिक्षित व अशिक्षित दोनों को लाभ होता है। रेडियो पर दी जा रही जानकारी व सूचना को कहीं भी सुना जा सकता है। रेडियो जनसंचार का सस्ता साधन है। रेडियो के माध्यम से ज्ञान वर्धन जानकारी अपनी समस्याओं विभिन्न लोगों विचारकों के मत को सुना जा सकता है और रेडियो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां रेडियो के माध्यम से अतिशीघ्र सूचनाओं एवं जानकारियों को प्राप्त किया जा सकता है। रेडियो के माध्यम से तत्काल घटी घटनाओं की जानकारी हमें अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये कुछ रेडियो की हमने आपको विशेषताएं बताई।
अब टेलीविजन के विषय में देखते हैं। टेलीविजन अथवा दूरदर्शन का अर्थ है दूर से देखना। जनसंचार माध्यम टेलीविजन का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ और इसमें यहाँ पर पेशे से इंजीनियर जॉन लॉगी बेयर्ड ने इसका आविष्कार किया था। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से हुई तथा 1 अप्रैल 1976 से इसे दूरदर्शन के नाम से जाना जाने लगा। टेलीविजन दृश्य श्रव्य माध्यम है। टेलीविजन पर समाचार व सूचनाएं देते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार दूरदर्शन न्यूज के साथ साथ आज तक जी न्यूज, स्टार न्यूज, NDTV आदि समाचार चैनल प्रचलित किए जाते हैं। टेलीविजन पर प्रसारित खबरों के विभिन्न चरण इस प्रकार से माने जाते हैं। इसमें जैसे टेलीविजन पर प्रसारित की जा रही खबरें व सूचनाएं विभिन्न चरणों से होकर दर्शकों तक पहुंचती हैं, जो निम्न प्रकार हैं। जैसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, किसी भी बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबर को तत्काल कम से कम शब्दों में फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। दूसरा, ड्राइव एंकर, जब तक एंकर के पास खबर एवं घटना से संबंधित दृश्य नहीं आते तब तक एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से प्राप्त जानकारियों की सूचना देता है कि घटना कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई आदि आदि। आगे कहते हैं कि फोन इन, जब रिपोर्टर घटना स्थल पर पहुंचता है तब संबंधित खबर की अधिक से अधिक जानकारी फोन के माध्यम से एंकर को बताता है। आगे एंकर विजुअल, जब घटना के दृश्य प्राप्त हो जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर तैयार की जाती है। एंकर प्रारंभ से सूचना को प्रस्तुत करता है, साथ ही दृश्यों के माध्यम से सूचना को बताया जाता है। आगे कहते हैं एंकर बाइट, घटना स्थल पर मौजूद प्रत्यक्ष दर्शियों या उस घटना से संबंधित व्यक्तियों के कथन को दिखाकर वे सुनाकर उस खबर को प्रमाणित किया जाता है। लाइव, किसी भी खबर एवं घटना का उस घटना स्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। सभी समाचार चैनलों का यह प्रयास होता है कि किसी भी घटना को शीघ्रातिशीघ्र सीधा दर्शकों तक पहुंचाया जा सके। रिपोर्टर व कैमरामैन OBWAN के जरिए यह कार्य किया जाता है, करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आगे एंकर पैकेज के विषय में बताते हैं कि संबंधित घटना को वहाँ के दृश्य, लोगों, ग्राफिक के माध्यम से संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करना एंकर पैकेज कहलाता है। उपरोक्त सभी चरणों को ध्यान में रखते हुए जो जो भी हमने बताया है इन्हें हर प्रकार से ध्यान रखना चाहिए और इन सभी को ध्यान में रखते हुए टेलीविजन के लिए लेखन किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर टेलीविजन के विषय में कुछ बताते हैं, कुछ उनकी कुछ विशेषताएं मानी जाती हैं। तो इसमें देखते हैं कि टेलीविजन जनसंचार का प्रमुख माध्यम है। इसकी विशेषताएं निम्न मानी जाती हैं, जैसे टेलीविजन दृश्य व श्रव्य माध्यम माना जाता है। इसमें सूचना एवं जानकारी को सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। टेलीविजन, दूसरा कहते हैं टेलीविजन जनसंचार का तीव्र गति से सूचनाओं को संचारित करने का माध्यम है। आगे
किसी भी घटना का सीधा प्रसारण टेलीविजन की सहायता से देखा जा सकता है। आगे टेलीविजन पर दिन भर समाचार प्रसारित होते रहते हैं। यदि किसी कारणवश कोई समाचार नहीं देख पाया है तो उसे कुछ देर पश्चात पुनः देखा जा सकता है। आगे कहते हैं कि टेलीविजन के द्वारा न केवल समाचार को सुना व देखा जाता है अपितु टेलीविजन मनोरंजन व ज्ञान प्रदान करने का भी सशक्त माध्यम माना जाता है। सशक्त माध्यम मानते हैं तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं सिनेमा। सिनेमा मनोरंजन तथा जनसंचार का सशक्त माध्यम माना जाता है। कला तथा संगीत के माध्यम से अभिव्यक्ति के साथ जन जागरूकता के क्षेत्र में सिनेमा का महत्व बढ़ा है। तकनीकी विकास के साथ साथ सिनेमा की दुनिया में भी परिवर्तन हुआ है। तो इसी प्रकार से श्वेत एवं श्याम फिल्मों से निकलकर रंगीन फिल्मों तक के सफर में भारतीय सिनेमा ने नई कई पड़ाव देखे। सिनेमा का निर्माण दृश्य ध्वनि तथा संगीत की त्रिआयामी प्रवृत्तियों के माध्यम से होता है। इसे सिनेमा घरों में निर्मित पर्दों पर दिखाया जाता है। जन जागरूकता तथा आधुनिकीकरण को विस्तार देने में सिनेमा का कोई विकल्प हमारे सामने नहीं है। इस प्रकार से इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का एक विशाल विश्वव्यापी नेटवर्क या जाल है। इंटरनेट के माध्यम से नई पीढ़ी अपने को एक दूसरे से जोड़ने में सक्षम हुई है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये बताया जाता है कि हम हर प्रकार से ऐसा ही मानते हैं। तो इसमें इंटरनेट के माध्यम से कई पीढ़ी अपने को एक दूसरे से जोड़ने में सक्षम हुई। इंटरनेट सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन माध्यम है। कंप्यूटर साक्षरता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण यह जनसंचार का प्रमुख माध्यम इंटरनेट के माध्यम से जनसंचार की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। तो वास्तव में इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम ही इंटरनेट है। तो इसी प्रकार इंटरनेट की क्या क्या विशेषताएं हमारे सामने आती हैं इसके विषय में विचार करते हैं। इंटरनेट की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से मानी जाती हैं, जैसे इंटरनेट मनोरंजन ज्ञान सूचना आपसी संवादों के आदान प्रदान करने का सशक्त माध्यम माना जाता है। आगे कहते हैं जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट एक वरदान है जिसके द्वारा हम किसी भी जानकारी को एक क्लिक से कभी भी व किसी भी स्थान पर रहकर प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट पर प्राचीन से प्राचीन व नई से नई जानकारी उपलब्ध हो जाती है। इंटरनेट पर 2400 घंटे जानकारी उपलब्ध रहती है। इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं भी घटी घटना की जानकारी को शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के समय की भी बचत होती है। इंटरनेट के द्वारा समय बहुत कम लगता है, समय की भी बचत होती है। तो इसी प्रकार से शोध कार्य में इंटरनेट जनसंचार का बेहतरीन माध्यम माना जाता है। इसके द्वारा हम न केवल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपितु एक सेकंड में लगभग 70,000 शब्दों को भेज भी सकते हैं।
तो अलग अलग इसमें थोड़ा थोड़ा समय के अनुसार परिवर्तन भी होता रहता है, परिवर्तित भी होता रहता है। इसलिए हम इसको इस प्रकार से मानते हैं और करते हैं। तो हम हर प्रकार से इसे इस प्रकार सोचते हैं। तो इंटरनेट की पत्रकारिता, इंटरनेट पर खबरों, अखबारों, पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित करना, खबरों का आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता। जो सूचनाएं, जानकारी, घटनाएं आदि हमें अखबार के माध्यम से प्रिंट रूप में प्राप्त होते हैं, उन्हीं सूचनाओं, जानकारियों, लेखों, घटनाओं को इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर जो है वह वर्ष 1993 में शुरू हुआ तथा दूसरा दौर वर्ष 2003 से अभी तक है। अभी भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है। हिंदी नेट पत्रकारिता, वेब दुनिया से हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत हुई। हिंदी अखबारों में नव भारत टाइम्स, अमर उजाला, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा आदि वेब संस्करणों की शुरुआत हुई। पत्रकारिता के क्षेत्र में आज हिंदी की सर्वोत्तम साइट बीबीसी है। इसी प्रकार से यहाँ पर अब हम आपको बताते हैं कि जनसंचार माध्यमों का कार्य एवं थोड़ा उनके विषय में महत्ता, उनकी क्या महत्ता है। तो सामान्य तौर यदि देखें तो जनसंचार के कार्य एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। सूचनाओं एवं समाचारों का एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं प्रचार। आगे कहते हैं वतैक्य, मतों के अनुसार एवं सर्वसम्मति बनाने में सहायक। आगे कहते हैं संस्कृति एवं विरासत के हस्तांतरण में सहायक। आगे मनोरंजन, आगे वस्तुओं एवं उत्पादों के विक्रय एवं विज्ञापन में मददगार। आगे शिक्षा की प्राप्ति एवं प्रसार में सहायक। अन्य बहुआयामी उपयोग। इस प्रकार से हमने आपको ये बताया, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे और इसको पूरा करेंगे। आज केवल इतना ही और